दोस्तों आप सभी ने वीडियो का टाइटल पढ़ ही लिया होगा कि सीजीपी एग्जाम की तैयारी कैसे करें, क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। अंतिम 40 दिन बचा हुआ है, ठीक है। जो लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, फॉलो करना चाहते तो कर सकते हैं, अन्यथा ना करें, आपकी मर्जी, ठीक है। देखिए सीजीपीएससी प्री एग्जाम के पास अंतिम 40 दिन बचा हुआ है, आपको कैसे पढ़ाई करना है, क्या करना है, रिवाइज कैसे करना है, बिल्कुल तरीके साथ आपको समझाऊंगा। टॉपिक वाइज ध्यान से समझिएगा, गौर से ध्यान से वीडियो को लास्ट तक जरूर समझिएगा। ऐसे टॉपिक बताऊंगा जो आपके छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान से 8 से 10 प्रश्न वही टॉपिक से आ रहे हैं। जो जो टॉपिक मैं आपको बताने वाला हूं उसको अच्छे से कवर कर लीजिएगा, ऐसे आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो मात्र आपके पास 40 दिन बचा हुआ है, तो कैसे पढ़ना है, रिवाइज कैसे करना है, पूरी जानकारी इस वीडियो में बताऊंगा, लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, ठीक है। जैसे कि आपके सभी ने देख चुका है कि स्क्रीन में कि अंतिम 40 दिन यानी कि आपको कैसे प्रिपरेशन करना है, यानी कि क्या पढ़ना है आपको, क्या नहीं पढ़ना है, ये तरीके के साथ आपको मैं बताने वाला हूँ, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, फॉलो जरूर करें, ठीक है। सीजीपीएससी एग्जाम आपका 12 फरवरी को होनी है, ठीक है। तो रविवार यानी कि होगी प्रथम और सेकंड, यानी कि पहला पेपर होगा, उसके बाद सेकंड पेपर होगा, ठीक है, यानी कि पीएससी प्री एग्जाम का पहला एग्जाम, ठीक है। तो चलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। सीजीपीएससी प्री का एग्जाम है 2022 को फरवरी 2023 में होने वाला है, ठीक है। तो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, टॉपिक को ध्यान से समझिएगा, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखना। जैसे कि आप देखिए अंतिम 40 दिन यानी कि सीजीपीएससी प्री का एग्जाम 12 फरवरी को, मात्र आपके पास 40 दिन बचा हुआ है, आपको क्या पढ़ना है पूरी जानकारी मैं बताने वाला हूँ, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ का इतिहास है, 8 से 10 प्रश्न जरूर आएंगे, ठीक है। जैसे कि हमने पिछले कक्षाओं में देखा था, मैं आप सभी को बताया था, और जैसे ही हमने देखिए जैसे ही सीजीपीएससी प्री एग्जाम का बहुत सारे एनालिसिस किए हैं, क्वेश्चन पेपर को हमने ढूंढ कर निकाला है, जिसमें पैटर्न है वो कुछ अलग अलग तरीकों से पूछ रहा है, ठीक है। तो उसी प्रकार हमने एनालिसिस करके बनाया है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हैं या फिर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ का जो इतिहास है आपके 8 से 10 प्रश्न बनेंगे, ठीक है। छत्तीसगढ़ के हम देखेंगे तो सबसे पहले इसको नोट करते जाइएगा, प्राचीन राजवंश, ठीक है। तो देखिए छत्तीसगढ़ में प्राचीन राजवंश के राजा का नाम और उनका कार्य और क्रम, जैसे कि देखिए प्राचीन राजवंश का जो राजा का नाम होता है और उनका जो नाम है और उनका जो क्रम है, क्रम वाइज आपको आएगा, ठीक है। जैसे कि कथन के हिसाब से आपको दे दिया जाएगा 1 2 3 ऐसा करके, आप लोग पहला दूसरा ट्रिक ऐसे लगाओगे, ठीक है। तो ये आप याद रखना है, प्राचीन राजवंश के राजा का नाम और उनका काल क्रम, यानी कि जो भी प्राचीन राजाओं हैं उनका नाम आपको याद करना होगा, उनका क्रम वाइज आपको जमाना होगा, ठीक है, ऐसे एग्जाम में पूछा जा रहा है, ठीक है। उसके बाद दूसरा बात करें तो इतिहास के स्रोत व अभिलेख व सिक्के, यानी कि इतिहास के जो प्राचीनतम सिक्के हैं वहाँ से आपके स्रोत और अभिलेख से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उसके बारे में बात करें कलचुरी काल से, ठीक है, कलचुरी काल के राजा और उनके कार्यकाल के दौरान जो घटनाएं हुई हैं, ठीक है, वो भी एग्जाम में ऐसे ही पूछे जा रहे हैं, ठीक है। जो कलचुरी काल है उसमें राजा का नाम और उनके जो कार्यकाल हुआ है, यानी कि समय के हिसाब से उनका जो कार्यकाल घटनाएं हुए वो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। उसी प्रकार चाहता है कलचुरी काल में जो स्थापत्य व प्रशासनिक व्यवस्था, यानी कि कलचुरी काल में जो स्थापत्य हुई है व प्रशासनिक व्यवस्था हुई है, वहाँ से 1 से 2 नंबर पूछे जाएंगे, ठीक है। उसी प्रकार सूबेदार का शासन, ब्रिटिश अधीक्षक शासन काल, यानी कि जो सूबेदार वाला शासक काल है, उसी प्रकार ब्रिटिश अधीक्षक शासन काल जो कार्यकाल है वहाँ से, यानी कि सन यानी क्वेश्चन वहाँ से एग्जाम में एक नया क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। उसी पर अगर आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ की रियासत व उनका इतिहास, ठीक है, छत्तीसगढ़ की जो रियासतें हैं उनके इतिहास हैं वहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। उसी प्रकार आप देख सकते हैं ब्रिटिशकालीन प्रशासनिक व्यवस्था, ठीक है, ब्रिटिश काल में जो प्रशासनिक व्यवस्था है वहाँ से आपके 1 से 2 नंबर आ सकते हैं संभावनाएं हैं, ठीक है। यानी कि छत्तीसगढ़ के इतिहास से टोटल 8 से 10 प्रश्न बनेंगे, वहां से आपके बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो उसको डिटेल से आप लोग पढ़ लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। ये आपके ऐसे ही ये आपके क्वेश्चन में इस प्रकार आएगा रियासत से, ठीक है, ऐसे ही जो
कार्यकाल के दौरान जो घटनाएं हुई है उस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर जो ब्रिटिश कालीन प्रशासनिक व्यवस्था है उसमें आपके एक से दो नंबर पूछे जाएंगे। और देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि छत्तीसगढ़ की जो रियासतें हैं वहाँ से उनका इतिहास के जानने के स्रोत क्या क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वहाँ से थोड़ा डीपली पढ़ोगे वहाँ से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसी प्रकार देखिए किसान आंदोलन से, ठीक है, किसान आंदोलन से प्लस जंगल सत्याग्रह, जंगल सत्याग्रह पोड़ी नामगाई जब रुद्री नामगाई जितने भी क्वेश्चन वहाँ से बनते हैं ना जंगल सत्याग्रह से वो वहाँ से आपको कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे कि जंगल सत्याग्रह आपका रिलेटेड है गांधी जी से यानी कि बापू जी से, ठीक है, ये आपको जंगल सत्याग्रह क्वेश्चन देखने को मिलेगा। उसी प्रकार किसान आंदोलन का जो सन है आप सन याद रखना, ठीक है, और क्या क्या हुआ वो आप वहाँ से एग्जाम में पूछ सकते हैं। जब जंगल सत्याग्रह हुआ था इसका ये एग्जाम्पल में पूछ सकता है, एक से दो नंबर आपके एग्जाम में शायद आ सकता है। ठीक है, जंगल सत्याग्रह से जो भी उसका जो नेतृत्व करता है ना वो यानी कि वो क्वेश्चन में पूछे जाएंगे। उसी प्रकार आप देख सकते हैं कि माधवराव सप्रे जी हैं, सुंदरलाल शर्मा हैं, ई राघवेंद्र राव है, ठाकुर प्यारेलाल सिंह हैं, रघुनाथ सिंह हैं, जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वैसे ही इस नाम से एक नए क्वेश्चन आने की संभावनाएं बनती है। उसी प्रकार आप देखेंगे असहयोग आंदोलन से प्लस भारत छोड़ो आंदोलन, यानी कि असहयोग आंदोलन से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन से भी आएगा। 1942 लेकर यानी कि जैसे कि आप देख सकते हैं 1947 से लेकर जैसे कि स्वतंत्र भारत यानी कि यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर स्वतंत्र हुआ था भारत आजाद हुआ था उसके आगे से क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये याद रखिएगा असहयोग आंदोलन के बारे में, उसके बाद भारत छोड़ आंदोलन आपको पढ़ना पड़ेगा, इसके बाद मध्यकालीन इतिहास से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कला संस्कृति से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जनजाति से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, भारत की जनगणना जितने भी छत्तीसगढ़ की मिट्टियां हैं है ना ये सब पूछे जा रहे हैं भारत मतलब छत्तीसगढ़ के भूगोल से। ठीक है, उसको भी मैं अभी बताने वाला हूँ, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, सिर्फ आपके पास 40 दिन समय बचा हुआ है। ठीक है, आपको कैसे रिवाइज करना है, जो जो टॉपिक आपने पहले पढ़ चुके होंगे उसको दोबारा नहीं पढ़ना है। ठीक है, जो बच्चा हुआ उसको पहले एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, उसके बाद 2-3 दिन बचा रहेगा उसको आप अच्छे से कर लोगे। इसके बाद आप सभी को मैं बताऊंगा छत्तीसगढ़ के आर्थिक सर्वेक्षण से है नहीं यानी कि स्थिर मूल्य से ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, स्थिर मूल्य के बाद हम बात करें तो छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति, भारत का सामान्य ज्ञान, छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान विशेष तौर पर वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, इसके बाद हमको पढ़ना है हिंदी व्याकरण से, उसके बाद हो जाएगा गणित से, तर्क शक्ति यानी कि रीजनिंग से सेकंड पेपर रहेगा आपका, पहला पेपर हो जाएगा उसके बाद सेकंड में रहेगा, गणित से पूछा जाएगा, तर्क शक्ति यानी कि रीजनिंग से पूछा जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से समझ जाएगा इसके बाद क्या क्या पढ़ना है आपको। तो पहला बात करें तो छत्तीसगढ़ की कला व संस्कृति से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लोक नाट्य से, मुंडा यात्रा से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, छत्तीसगढ़ के जनजाति से संबंधित पेय पदार्थ हो गया है, युवा गृह हो गया, जेल से संबंधित हो गया, जिला वाइज से संबंधित निकलना, निवास कहाँ है, तो कौन से जनजाति से संबंधित है, कौन से जिला में निवास करती है, ये सब एग्जाम में पूछा जाएगा, वीडियो को ध्यान से समझना। उसके बाद बस्तर का जो दशहरा से वहाँ से एक से दो नंबर क्वेश्चन आते ही हैं। ठीक है, बस्तर के दशहरा से एक से दो नंबर क्वेश्चन आते ही, इसको याद रखना दोस्तों। इसके बाद हम बात करें कि जनजाति का विद्रोह, ठीक है, जनजाति के विद्रोह में जितने भी बनते हैं वो आपका सन याद रखना होगा, उसका क्रम याद रखना होगा, कौन से सन में क्या हुआ है, इसका नेतृत्व करता कौन है, ये बिल्कुल पूछा जाएगा। उसके बाद मैं आप सभी को बताया था सुबह शासन व्यवस्था से, वहाँ से भी बिल्कुल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं छत्तीसगढ़ के भूगोल से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, छत्तीसगढ़ की जलवायु से संबंधित है, वन्य जीव एवं अभयारण्य से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वन आच्छादित यानी कि वन आच्छादित का प्रतिशत कितना है क्या है, वन्य जीव अभयारण्य से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे कि यहाँ पर अभयारण्य हो गया है, राष्ट्रीय उद्यान हो गया है, वहाँ से क्वेश्चन एक नए देखने को मिल सकता है। उसके बारे में बात करें कि जनगणना से, तो जनगणना से आपके देखिए यहाँ पर हाल ही में 2011 के जनगणना का अनुसार, ठीक है, यानी कि 2011 के जनगणना का अनुसार आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। ये आपका देखिए सबसे ज़्यादा जिला वाइज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, जनगणना में। इसके बारे में बात करें छत्तीसगढ़ की नदियाँ, अब छत्तीसगढ़ की नदियाँ से क्वेश्चन 2-3 नंबर पूछे जाते हैं, जैसे कि अब देखिए अफवाह तंत्र, अफवाह तंत्र आपको क्या याद रखना पड़ेगा, सबसे पहले उद्गम स्थल या उद्गम प्रवाह याद रखना पड़ेगा,
और जितने भी पांच प्रकार के अफवाह तंत्र पाए जाते हैं छत्तीसगढ़ में, पांच प्रकार के अफवाह तंत्र पाए जाते हैं, तो सबसे पहले जितने भी पांच प्रकार के अफवाह तंत्र है उसका आप पूरा अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्रम वाइज से याद रखना, ठीक है। छत्तीसगढ़ में जो नदी अफवाह तंत्र है वो वहां से आपके अफवाह तंत्र से क्वेश्चन बिल्कुल पूछे जाते हैं 2 से 3 नंबर के, ठीक है। उसमें आपको उद्गम स्थल पूछ लिया जाएगा, प्राचीन नाम क्या है उसका पूछ लिया जाएगा, ठीक है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उसको क्रम वाइज दे दिया जाएगा कि किस क्रम में जब आइएगा इस प्रकार का क्वेश्चन दे दिया जाएगा, या फिर प्रतिशत से पूछा जाएगा या कितने किलोमीटर में प्रवाह हो रहा है, कहाँ से कहाँ निकलती है नदियाँ, ये भी ऐसे क्वेश्चन में पूछे जाएंगे, ठीक है। जैसे उत्तर की ओर कौन सी नदियाँ बहती हैं, इसके प्रमुख सहायक नदी क्या है, दक्षिण की ओर कौन सी नदी बह रही है, ये उसके बाद आपका आ जाएगा तो जो छत्तीसगढ़ की नदी अफवाह तंत्र में वहां पर है जलप्रपात से, ठीक है। जलप्रपात से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। उसके बाद है हम बात करें कि देखिए छत्तीसगढ़ के जो आर्थिक सर्वेक्षण है वहां से, जैसे कि 20-21 में जो आर्थिक सर्वेक्षण है या 21-22 में हाल ही में जो हुआ है, हाल ही का पढ़ना है आपको, ठीक है। यानी कि छत्तीसगढ़ जो आर्थिक सर्वेक्षण है वहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय से पूछा जाएगा। उसके बाद खेल से संबंधित जो पुरस्कार है, खेल से संबंधित जो पुरस्कार है वहाँ से आपके भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद बात करें कि लोक कला और संस्कृति से भी क्वेश्चन है, पुरस्कार से संबंधित है ना, जितने भी हाल ही में अभी जो पुरस्कार मिला है उससे भी, पद्म भूषण वगैरह से या पद्म विभूषण से इतने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद बात करें कि जनजाति से कौन कौन जिले से संबंधित है, ये भी आपके एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। ये उसके बाद हाल ही जो वर्तमान में क्या है कौन है ये भी एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि हिंदी व्याकरण से, तो हिंदी व्याकरण में आपको अच्छे तरीके से हिंदी के सामान्य ज्ञान है कि सभी एग्जामों में हिंदी से 10 से 15 नंबर के क्वेश्चन आते ही हैं, ठीक है। इसके बारे में बात करें तर्क शक्ति से, यानी कि गणित से, आपका देखिए गणित में आपको बहुत सारी आता है, उसमें आपको परसेंटेज वगैरह, चक्रवृद्धि ब्याज, ये साधारण ब्याज है ना, प्रतिशत वगैरह से आप क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, वहाँ से कम 3-4 नंबर से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उसके बाद बात करें गणित में, तो आपका टाइम एंड वर्क हो गया है, यानी समय चाल दूरी से क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। उसके बाद है अलजेब्रा से क्वेश्चन आपका पूछ सकता है, ठीक है। वहाँ से मतलब ज़्यादा एकदम डिग्री नहीं पूछेगा, उसमें प्रतिशत वगैरह ये सब टाइम वर्क ये क्वेश्चन पूछेगा गणित से। अब बात करें तर्क शक्ति यानी कि रिसोर्सनिंग से, रिसोर्सनिंग में अर्डर सीक्वेंस हो गया है, डायग्राम वगैरह हो गया है, वेन डायग्राम हो गया है, कथन और तर्क शक्ति से। देखिए अब एनालिसिस करके हमने बताया कि देखिए यहाँ पर कथन और तर्क शक्ति से, यानी कि कथन और तर्क शक्ति से आप एग्जाम में बिल्कुल पूछे जाएंगे, ठीक है। वहां से आपके 3 से 4 नंबर अभी पूछे जा रहे हैं, 3 से 4 नंबर कथन और तर्क शक्ति से पूछे जा रहे हैं। उसके बाद आपको वेन डायग्राम से, यानी कि इस वेन डायग्राम से आपका 1 से 2 नंबर पूछा जाएगा, ठीक है। ऐसी अगर सीक्वेंस से, यानी कि क्रम व्यवस्था से, क्रम व्यवस्था से भी एग्जाम में पूछा जा रहा है। ये क्रम व्यवस्था जो है आपका रीजनिंग में ही आएगा, ठीक है। ये जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ ये सब ऐसे ही ऐसे जो टॉपिक बता रहा हूँ वो आएगा। उसके बाद बात करें कि भारत के सामान्य ज्ञान पे, आपको प्राचीन इतिहास से आपको जैन धर्म, बौद्ध धर्म ये बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। जैन धर्म या बौद्ध धर्म से जो उसकी पूरी कथाएं हैं जो आप डिग्री एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मेन मेन टॉपिक आप पढ़ लें, ये आप लूसेंट से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। लूसेंट से वन डायग्राम जैसे दिया जाता है, वन लाइनर टाइप का, उसमें लूसेंट से एक बार पढ़ लीजिएगा भारत का जो सामान्य ज्ञान होता है वहां से, ठीक है। उस मध्यकालीन इतिहास से पुरातात्विक स्थल है ना, जैन धर्म बौद्ध धर्म ये थोड़ा जो लोथल वगैरह होता है ना वहां से, नदी वगैरह से क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और जो भी टॉपिक बचा हुआ है 1-2 टॉपिक आप लोग देख लीजिएगा, अगर कहीं पर छूट गया होगा तो, अगर कहीं पर मिस्टेक हुआ होगा उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। ये एक छोटा सा प्रयास था, हमने एनालिसिस किया था। अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।